स्टूडेंट, तो आपके सामने आज हम केमिस्ट्री को लेकर के आए हैं। ये वीडियो खास उन बच्चों के लिए है जो केमिस्ट्री को जरा सा भी नहीं समझते हैं, यानी केमिस्ट्री को शुरुआत ही करना चाहते हैं। उन बच्चों के लिए ये वीडियो जो है, तो जरूर आप, अगर आपको आ रहा है तो आप ये वीडियो मत देखिएगा, अगर आपको नहीं आ रहा है केमिस्ट्री तो देख लीजिएगा, क्योंकि हम एकदम बेसिक यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, यानी केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे कि रसायन विज्ञान है क्या, रसायन विज्ञान में हमें क्या याद करना चाहिए, क्या हमें पहले बेसिक में सीखना चाहिए, वो चीजें हम यहाँ पर बताने वाले हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री सबसे पहले हम बात करें तो केमिस्ट्री क्या है, जिसमें हम क्या करें, सीधे सीधे बात करें तो तत्व की, यानी अणु की या परमाणु की, जो भी समझे, ठीक, ये सभी के साथ आपका कोई फार्मूला, इन सब का के बारे में हम पढ़ें, तत्वों के बारे में, उनके अणुओं के बारे में, परमाणुओं के बारे में, और उनके सबके फार्मूलाओं के बारे में, उनके रिएक्शन के बारे में, उनके अभिक्रियाओं के बारे में। ठीक है, क्या अभिक्रियाओं के बारे में, जिस शाखा में विज्ञान की, उस शाखा में, जिस शाखा में इसका अध्ययन करते हैं, उसी शाखा का नाम हमारा रसायन विज्ञान। ठीक है, और रसायन विज्ञान के जरिए से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की होने वाली क्रियाकलापों के बारे में हम पता कर पाते हैं। तो ये चीज हो जाता है हमारा केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान। ओके, अब हम यहाँ पर बच्चों को बताने वाले हैं कि आखिर शुरू कैसे करना चाहिए। देखिए, शुरू करने का मतलब ये हुआ कि आपको देखते हैं, जो आप सबसे पहले देखते हैं तो आपको तत्व देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? तत्व। ठीक है, ठीक है, अब आपको तत्व तो जो देखना पड़ेगा वो किस आधार पर देखना पड़ेगा, आपको आवर्त सारणी मिलेगी। क्या मिलेगी? आवर्त सारणी। आवर्त सारणी को हम बनाए हैं, वीडियो एकदम बेसिक से बनाए हैं, मतलब एकदम आप देखेंगे तत्वों को कैसे समझना है, तत्वों को या परमाणु क्रमांक को, परमाणु भार को कैसे क्या चीजें याद करना, वो सारी चीजें हम पहले बनाए हैं। जिस प्लेलिस्ट में इसको हम डाल रहे हैं उसी प्लेलिस्ट में वो वीडियोज हैं। तत्व, अब ये तत्व क्या होता है? तत्व कोई ऐसा छोटा सा एक तत्व होता है सीधे, जिसका हम कोई, उसके पहले हम तोड़ नहीं पा रहे हैं, वही एक तत्व हो जाता है हमारा। ठीक है, अब रही बात तत्व को हम समझ लिए, कोई तत्व होगा, कोई ना कोई एक प्रकार का तत्व होगा। अब ये तत्व जो होंगे, इनका नाम होगा, इनका संकेत चिन्ह होगा, इनका परमाणु क्रमांक होगा, इनका परमाणु भार होगा। ठीक है, अगर हम चर्चा करें तो जैसे कि हमारा यहाँ पर एच है, ये क्या है? एच। तो ये एच आपको दिखाई दे रहा है, केमिस्ट्री में आपको मिलेगा कि एच किस लिए यूज होगा। तो एच जो यूज होगा, एक ही तत्व होगा एच आपका, और वो किस लिए यूज होगा, उसका नामकरण पहले हम समझेंगे। तो नामकरण, अब इसको हम यूज करने के लिए इसके कई रूल होते हैं, तो उसका अलग बताएंगे। जैसे यहाँ पर आपका एच ई होगा, इसका अलग नाम है। यहाँ पर अगर हम देखें तो पी बी हो गया, इसका अलग नाम है। सी एल हो गया, इसका अलग नाम है। बी हो गया, इसका अलग नाम है। सी हो गया, अलग नाम है। ओ हो गया, अलग नाम है। एन हो गया, अलग नाम है। इसी तरह पी हो गया, अलग नाम है। एल आई हो गया, अलग नाम है। बी आर हो गया, अलग नाम है। सेम ऐसे ही हम अगर देखते जाएं तो हमारा बहुत सारे तत्व है। ठीक है, तो 118 तत्वों के करीब मान के चलते हैं कि हमारे ये सारे तत्व तो हैं, तो हम इनका नाम कैसे जानेंगे? क्या यस, क्या एल आई, इसी तरीके से पढ़े? नहीं, इसको आप इस तरीके, ये सभी संकेत चिन्ह है, और संकेत चिन्ह कैसे बनेंगे ये सारी चीजें हम बताएंगे आपको, संकेत चिन्ह कैसे बनते हैं। ठीक है, देखिए आपका संकेत चिन्ह जो बनेगा, जैसे कि मान लीजिए आपका सबसे पहला संकेत चिन्ह हम बना देते हैं यहाँ पर एच। क्या है ये? एच। ठीक, एच कैसे बना, एच क्यों बना? एच हम मारा इससे बना हुआ है, जैसे देखिए एच ओ आई डी आर ओ जी ई एन, हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। यहां पर हम लिख देते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक, बात समझ में आई? अब देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ये स्पेलिंग आपको दिख रहा होगा, इसके पहले कैरेक्टर से इसका नाम बन जा रहा है, पहले उसकी स्पेलिंग का पहला कैरेक्टर से आपका उस तत्व का नामकरण हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम इसी तरीके से, ऐसी इसी का नहीं, बहुत सारे हैं, यहां पर अगर देखेंगे तो आपका ऑक्सीजन हो जाता है, ऑक्सीजन को हम ओ बोलते हैं, और इसका जो हमारा मतलब स्पेलिंग होता है वो होता है ओ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक, ऑक्सीजन। तो देखिए इसमें भी हमारा पहला कैरेक्टर लिया जा रहा है। क्या लिया जा रहा है? पहला कैरेक्टर। सेम ऐसे ही हम देखते हैं कार्बन में,
इसमें कार्बन में, तो कार्बन का होता है क्या, कार्बन का होता है सी, और इसका नाम होता है सी ए आर बी ओ एन, ये हो गया। इसी तरीके से हमारा हो जाता है नाइट्रोजन, क्या हो जाता है नाइट्रोजन को हम एन बोलते हैं, और इसका नाम हमारा बन जाता है एन आई टी आर ओ जी ई एन, नाइट्रोजन। उसके बाद अगर हम देखते हैं नाइट्रोजन के बाद हमें हमारा इसी तरीके से और भी हो जाता है, जैसे एक फ्लोरीन एफ हो जाएगा, ठीक, एफ एल यू ओ आर आई एन ई, ये आई है, फ्लोरीन हो गया, ठीक। इसी तरीके से अगर हम देखें फास्फोरस पी हो जाता है, तो फास्फोरस का हम देखते हैं तो पी एच ओ एस पी एच ओ आर यू एस। देखिए अभी हम इसको इसलिए लिख रहे हैं कि सभी का नाम इसी तरीके बना, कंफ्यूजन अभी बनेगी, सभी में इन सभी में देख रहे हैं तो हमारा पहला कैरेक्टर ले रहे हैं और हमारा वही नाम बन जा रहा है। बट अब कुछ ऐसे नाम आपके आने वाले हैं जो पहले कैरेक्टर से नहीं लिए जाएंगे, पहले कैरेक्टर से वो नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। उनके जो होंगे वो दो 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 या दो से अधिक तत्वों के नाम के अक्षर एक साथ मिलकर के बनाएंगे। जैसे अगर हम देखते हैं यहां पर वेरियम, क्या है वेरियम, तो वेरियम का क्या हो जाता है बी ए हो जाता है, इस स्पेलिंग इसकी क्या होती है बी ए आर आई यू एम, ठीक, इस तरीके से हो गया। इसी तरीके से अगर हम देखें तो कैल्शियम क्या ए ला है यहां पर, तो कैल्शियम का हो जाता है क्या सी ए, और इसकी स्पेलिंग क्या होती है सी ए एल सी आई यू एम, कैल्शियम, ठीक। इसी तरीके से अगर हम देखें कि मैग्नीज, गलत हो गया, अभी इसका लिखने का कुछ पर्पज मेरा जो है ना वो इस तरीके से है कि भी आपको समझा देंगे। मैग्नीज हो गया, सेम इसी तरीके से हम देखते हैं तो हमारा हो जाता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का हो जाता है Mg, और इसकी स्पेलिंग हो जाती है एम ए जी एन आई जी एन ई आई के बाद, नहीं इनके बाद एस आई यू एम, मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम हो गया। सेम इसी तरीके से हमारा और भी होते हैं, जैसे बिस्मिथ होता है, बिस्मिथ हो गया, इसका हमारा संकेत चिन्ह वी आई होता है और स्पेलिंग होती है वी आई एस एम यू टी एच, ये इस तरीके से नाम हो गए। तो अब इनमें और सभी में फर्क आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो क्लोरीन अगर हम देख लेते हैं पर सी एल हो जाता है, क्या सी एल हो जाता है, क्लोरीन हो गया। तो इनमें देखिए नामकरण कुछ दूसरे आधार पे हो रहा है। यहाँ पर आपको नामकरण जो देखने को मिल रहा होगा वो आपको देखिए कुछ कैरेक्टर का आपका पहला कैरेक्टर है और दूसरा कैरेक्टर है, किसी किसी में पहला कैरेक्टर तो है ही, उसके साथ साथ दूसरा नहीं तो तीसरा हो सकता है। मतलब इसके ऊपर वाले में जब नामकरण करना हुआ तो केवल पहला कैरेक्टर लिया जा रहा है, स्पेलिंग का पहला कैरेक्टर ले लिया गया। इसमें क्या है कि स्पेलिंग का पहला कैरेक्टर तो लिया ही जाएगा, दूसरा भी लिया जा सकता है, तीसरा भी लिया जा सकता है, मतलब लिया जाएगा दो ही कैरेक्टर, या तो पहला दूसरा, या तो पहला तीसरा, या तो पहला लास्ट वाला भी हो सकता है, वो तो आगे के आपके इस तरीके से। तो नामकरण आपको ध्यान देना है, कभी ऐसा मत बनाना कि आप नाम से ही बना ले उसके संकेत चिन्ह, नहीं, थोड़ा सा चेंजेज रहता है, थोड़ा सा चेंजेज रहते हैं, इस तरीके चीजें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आपको
मैंने बोला यहाँ पर कुछ लास्ट नाम पर बनते हैं, क्या लास्ट नाम पर? अब कुछ लैटिन नाम वाले आ जाते हैं, किस पर? लैटिन नाम वाले, जैसे देखिए कुछ लैटिन नाम वाले आ जाते हैं, इनका तो एकदम से अलग होता है लैटिन नाम पर, ठीक है। जैसे सबसे पहले अगर हम देखें, हमारा हो जाता है क्या, सोडियम, क्या हो जाता है, सोडियम का संकेत चिन्ह हमारा क्या होता है, कोई बताएगा? Na। और इसका हमारा स्पेलिंग होता है SODIUM, ठीक, ये सोडियम। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन है, सोडियम Na है, इसमें Na कहीं पर है ही नहीं, ये किस नाम से बना है इसको देखना पड़ेगा सबसे पहले, कि सोडियम हमारा Na क्यों बना। तो सोडियम का ये लैटिन नाम जो होगा ये होगा क्या, नेट्रियम, क्या होगा, नेट्रियम, चाहे इसको नए बोले चाहे नेट्रियम बोले, स्पेलिंग होती है NaTRUM, ये हो जाता है नेट, इसलिए यह ने बोला जाता है, इसमें का पहला दूसरा कैरेक्टर लिया गया है। ओके, इसी तरीके से अगर हम देखें, हमारा अगला हो जाता है तांबा, क्या, तांबा। अब तांबा का अगर हम संकेत चिन्ह देखते हैं तो हमारा होता है CU, क्या होता है, CU, और इसका हमारा जो स्पेलिंग भी होगा वो होगा COPPER, और इसका हमारा अगला नाम जो होगा लैटिन नाम जो होता है वो क्या होता है, वो होता है क्यूप्रम, क्या, क्यूप्रम, ठीक, और स्पेलिंग होती है आपका QPRUM, ठीक, ये हो गया क्यूप्रम, तांबा हो गया। तांबा देखिए ये पूरे मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि जितने जो भी हैं उनको बता दें काम भर के लिए, जो भी आपका आता है ठीक वही चीज हमें वहां पर बता दें। पोटेशियम, क्या, पोटेशियम का जो संकेत चिन्ह होता है वो होता है के, क्या होता है, के, ठीक है, पोटेशियम का संकेत चिन्ह। अब देखिए के जो है आपको किस तरीके से बन रहा है कोई पता नहीं है, लेकिन अभी लैटिन नाम जब पता चल जाएगा तो, अब पोटेशियम अगर हम स्पेलिंग चेक करें तो हमारा क्या होता है, POTASIUM, ये पोटेशियम स्पेलिंग। अब पोटेशियम का जो लैटिन नाम होता है वो क्या होता है, वो होता है कैलियम, क्या होता है, कैलियम, और कैलियम के हिसाब से देखा जाए तो KALIUM कैलियम हो गया, ठीक, ये नाम हो गया। ओके, फिर उसके बाद हमारा पोटेशियम के बाद हो जाता है चांदी, क्या हो जाता है, चांदी, और चांदी की जो हमारा संकेत चिन्ह होता है वो होता है Ag, और Ag को हम क्या बोलते हैं, जो हमारा नाम होता है, मतलब पहले इसका स्केलिंग स्पेलिंग लिख दे, सिल्वर माने होता है, किसका मतलब, सिल्वर का मतलब, SILVER, सिल्वर माने चांदी, और जो लैटिन नाम होता है वो होता है अर्जेंटिनम, क्या, अर्जेंटम जिसको बोलते हैं वही, तो ये होता है आपका ARGENTUM, अर्जेंटम, ठीक, ये हो गया चांदी का। चांदी के बाद लोहा भी होता है, सोना भी होता है, चांदी के बाद सोना भी लिख देते हैं, और सोना का जो चिन्ह होता है वो होता है आपका AU, AU सोचिए कि होता है, बहुत लोग कम जानते हैं इसको इसलिए, और इसको हम बोलते हैं गोल्ड, गोल्ड माने सोना, लेकिन जो हमारा लैटिन नाम इसका होता है सोना का वो होता है ओरम, क्या होता है, ओरम, और ओरम की स्पेलिंग होती है ARUM, ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट जो आने वाला है आपका लोहा होता है, क्या होता है, लोहा, और लोहा को हम बोलते हैं क्या, आयरन, ये होता है स्पेलिंग, और इसका जो हमारा सॉरी संकेत चिन्ह यहाँ पर लिखना है, Fe होता है, और इसका आयरन होता है, लैटिन नाम लेकिन क्या होता है, होता है फेरम, क्या होता है, फेरम, और इसका हमारा स्पेलिंग होता है FERRUM, ये हो गया। तो हमारे लैटिन नाम हो जाते हैं, हमारे क्या हो जाते हैं, लैटिन नाम हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें आपको समझना है कि हमारा नाम जो बनता है, तो नाम आपका कैसे कैसे बनेगा, नाम बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग का, पहला कैरेक्टर, पहला अक्षर, ठीक, या पहला दूसरा, ठीक,
या पहला तीसरा या पहला अंतिम या लैटिन नाम का पहला दूसरा से बनेगा से। ठीक, आपका पता हो गया ना कि कहाँ से आपका बनना है इसका नाम। तो ये संकेत चिन्ह पहले आप याद करें, और ये संकेत चिन्ह इतने ही नहीं है, बहुत सारे हैं, मैंने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिख दिए हैं इतने का। इतने आपको इन सबका क्या क्या याद करना पड़ेगा, इन सबके याद, इन सबके साथ साथ तत्व को क्या याद करिए। तत्व को सबसे पहला काम क्या करना है आपको, परमाणु क्रमांक याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है, संकेत चिन्ह तो याद ही करेंगे, परमाणु क्रमांक याद कर लीजिएगा। परमाणु क्रमांक के साथ साथ आपको परमाणु भार, ठीक, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, इन सबके साथ साथ उनका नाम, संकेत चिन्ह, संकेत चिन्ह के नाम। ठीक, ये चीजें आपको याद करना पड़ेगा। और ये और सारणी से आप याद कर लीजिए, मेरे चैनल पे वीडियोस पड़ी हैं, नहीं तो हम लेकर के भी आएंगे आगे, जब इतना हमने अभी इस मैटर में आपको यहाँ पर लिखवा दिया है, तो आगे भी लेकर के आएंगे कि नामकरण कैसे करना है। याद रखना, कभी भी नामकरण आपका पहला कैरेक्टर होगा, नहीं तो पहला दूसरा होगा, नहीं तो पहला अंतिम होगा, नहीं तो पहला तीसरा होगा, पहला बार बट आपका पहला अक्षर होगा, पहला होगा, पहला के बाद दूसरा हो सकता है, पहला के बाद दूसरा नहीं तो तीसरा हो सकता है, पहला के बाद नहीं तो आपका पहला नहीं लास्ट हो सकता है, बट यहाँ पर ध्यान देना। तो इसी तरीके से नामकरण का संकेत चिन्ह कभी भी आप उसकी आवाज से, उसके जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसके हिसाब से आप मत बनाने लगिएगा, नहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि लैटिन नाम अगर मिल गया तो दिक्कत कर देगा। लैटिन नाम इंपॉर्टेंट होता है, इसको जरूर आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ पर वीडियो यही था, अगला वीडियो जो छोटा सा वीडियो हमारा होगा, जितने भी आपके अम्ल होते हैं, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, सभी अम्ल के फार्मूले में एक साथ लिखवाऊंगा, वो अगला वीडियो होगा। उसके बाद नेक्स्ट और फार्मूले जो होते हैं उनको भी लिखवाऊंगा मैं, बेसिक चीजें लिखवा दूं, और इसके साथ साथ मैं और सारणी भी बताऊंगी। ओके, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप यहाँ तक। सेकंड चैनल का नाम है मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, और हमारे इस चैनल की टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली क्विजेज हम देते हैं आपको, डेली एक क्विज दो क्विज आपको मिल जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड और साथ ही साथ आपको बायोलॉजी से रिलेटेड भी मिल जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पर आपको बहुत सारे, मान के लिए दो तीन क्विजेज आपको डेली मिलेंगे, और बहुत ही इफेक्टिव क्विजेज मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम में बीट करेंगे। ओके, जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली क्विज मिले अच्छे से। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।